वेलकम टू टुडेज व्लॉग। सो आज अनिशित का बर्थडे हम लोग एक दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल से एक्चुअली स्टार्ट होगा, आज से इंडिया में स्टार्ट हो गया है। सो वी आर डूइंग अ पूल पार्टी फॉर हिज बर्थडे एंड डेकोरेशन आई ऑलमोस्ट हो गया है। सो यार, इट्स गोइंग टू बी सुपर फन एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो लेट्स अरेंज दिस बलून। सो मैंने चेंज कर लिया है एंड दिस इज वॉट माई ड्रेस लुक्स लाइक। इट इज सो प्रिटी। मैं अपना कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ आपको। सो आई थिंक नाउ यू कैन सी माई ड्रेस। इट इज जस्ट सो बिग एंड सो फ्लोई एंड कुछ टाइम बाद में चेंज कर लूंगी ये। आई थिंक केक कटने के बाद जब हम लोग एक्चुअली अपनी पूल पार्टी प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। ये बस केक कटिंग का ड्रेस है। सो हियर इज द सेटअप जो चेल्सी ने किया एंड दिस इज हाउ ऑसम दिस केक इज। जस्ट पूल वाइब्स। चेल्सी थैंक यू सो मच फॉर द केक। दिस इज ब्यूटिफुल, अमेजिंग। Yeah, and Chelsea is also looking so pretty. So ये पूल पार्टी चल रही है सबकी एंड अब हम लोग केक कट करने जा रहे हैं निशित का। लेट्स गो। निश्चित अब पूल में जाने वाला है और मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। चलो लेट्स गो। और झुलाओ नहीं टू ज्यादा। ये बहुत क्लोज था। Hey guys, so आज निशित का बर्थडे है एंड दिस इज द डे टू एंड हमने स्टार्ट किया अपना डे लोगों को खाने वाने देकर एंड नाउ वी आर डूइंग आवर फेवरेट थिंग नाउ एज अ कपल इज ग्रॉसरी शॉपिंग। सो अभी हम लोग ग्रॉसरीज ले। दिस इज अ ट्रेडिशन। या इट इज रिलैक्सिंग। या सो वी लव टू डू ऑन वीकेंड्स। हमारा ग्रॉसरी शॉपिंग प्रोग्रेस में होता है एंड वी जस्ट लव इट। इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रंच पे, मैं और निशित, एंड देन उसके बाद आई थिंक निशित आंटी को लेकर जाएगा मेरे बर्थडे की प्लानिंग करने। या बिकॉज हमारा बर्थडे लाइक लिटरली एक दिन के डिफरेंस पे आता है। सो या लेट्स गो। गाइस, सो अभी हम लोग निशित का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं द केप में एंड हम लोग एक्चुअली ब्रंच में आने वाले थे बट वो आंटी के साथ बाहर गया था तो अभी हम लोग इवनिंग में आए हैं। सो कैसा लग रहा है निशित, कैसा बर्थडे जा रहा है तुम्हारा? लविंग इट। दिस वाज वन ऑफ द प्लेसेस जहां हमें बहुत दिन से आना था। या फाइनली अ गुड डे टू विजिट दिस प्लेस। या सो वी आर हैविंग आवर फेवरेट फ्राइज एंड देन ये सालमन है एंड लुक एट दिस ड्रिंक, सो प्रीटी राइट। So yeah, let's eat and happy birthday to you once again. Thank you so much. Hey to you. Blue. Yay. Happy birthday, Nishit. Thank you so much. Love you. This is so cute. सो अभी मैं निशित को एक्चुअली ब्रंच के लिए नहीं, इवनिंग डेट के लिए लेकर आई हूँ। ब्रंच हम जा नहीं पाए थे तो कल मैंने निशित के लिए पूल पार्टी थ्रो किया था उसके, मतलब इंडिया में जब उसका बर्थडे था तो इट वाज वेरी स्पेशल। ये हमारा फर्स्ट बर्थडे है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ फाइनली। या एंड इट वाज वेरी वेरी इट वाज अ वेरी वेल स्पेंट डे। मम्मी पापा भी यहाँ पे थे जो कि और स्पेशल कर दिया उस चीज को। हमारे फ्रेंड्स थे एंड चेल्सी ने बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। इट वाज सुपर ऑसम। सबको बहुत मजा आया। एवरीवन हैड सो मच फन। निशित को लाइक पूल एंड वगैरह बहुत पसंद है। सो इट वाज द परफेक्ट एंड या आई मीन इट इज वेरी स्पेशल। स्टिल वी डू नॉट फील एनीथिंग डिफरेंट फ्रैंकली स्पीकिंग बट या इट इज वेरी स्पेशल। सो हाउ डू यू फील? या मतलब कल से अभी तक लाइक इट वाज आई कुडंट हैव आस्क फॉर एनीथिंग मोर एंड या गो अहेड। या एंड चेल्सी ऑलवेज डज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू बर्थडे प्लानिंग, मेकिंग थिंग्स स्पेशल बिकॉज शी डज इट फ्रॉम हर हार्ट। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल डे एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। एंड आज निशित का घर में फेवरेट खाना बन रहा है। सो जो मम्मी मेरे बर्थडे में तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी है राइट? राइट आफ्टर मुंबई वो अभी है जिसका मतलब हो गया 5 साल के बाद शायद। और मम्मी मेरे लिए जब मैं छोटा था तो मेरा फेवरेट था लाइक पराठे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पराठे, खीर, दाल के पराठे। सो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं
भैया के घर पे एंड वी विल हैव सम फूड देयर एंड एंजॉय सो इट वाज सुपर ऑसम गाइस एंड हमने काफी सारे बर्थडे ब्लॉग बनाए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फिफ्थ सिक्स्थ राइट सो एवरी ईयर वी डू समथिंग स्पेशल एंड या सो वी विल सी यू लेटर बाय बाय